खबर गाजीपुर जमाना से, जहां डायल 112 पुलिस ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जमाना के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जागरूकता अभियान चलाया। डीजी 112 अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे 4 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास गुरुवार को नुक्कड़ नाटक व जनसभा कर डायल 112 के द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि केवल झगड़े व मारपीट में नहीं बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, महिलाओं से छेड़छाड़, चलती ट्रेन में सहायता, चाइल्ड हेल्प, वरिष्ठ नागरिकों हेतु सवेरा योजना, असंगठित व्यक्तियों की सूचना, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एस्कार्ट सुविधा जिसमें रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गृहिणी महिला को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था मौजूद है। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के दौरान डायल 112 के जवानों ने आसपास के दुकानदारों को पंपलेट, स्टिकर आदि प्रदान किए। आपात स्थिति में डायल 112 पुलिस की सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डायल 112 गाजीपुर प्रभारी संजय गुप्ता, ROIP निरीक्षक रामकेश वर्मा, आशीष कुमार श्रीवास्तव प्रभारी, उत्तेजन यादव उप निरीक्षक, परमहंस यादव आरक्षी, हनुमान तिवारी महिला आरक्षी, ललिता यादव, सुशील राय, धीरेन्द्र कुमार सहित यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ से आई टीम मौजूद रहे। क्योंकि या रोमियो की हालत खराब हो जाती है 112 नंबर सुनते ही, क्योंकि 112 नंबर आप कहीं कोई भी महिला हो, रात हो या दिन हो, कोई भी सुनसान रास्ते में फंसी हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पे सेफ नहीं। हाँ तो तुम कहे बीच में हम आपस में लड़ाई कर रहे, तुम कहे आ रहे हो? अच्छा हाँ, हम क्यों आ रहे? हमारे पति पत्नी का मामला, तुम कहे आ रहे हो? अच्छा ठीक है, होता घरेलू हिंसा तुमको, तुम खुद रहते हैं।